फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पर टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एंटी थेफ्ट अलार्म कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी ज़रूरत होगी एक PIR मोशन सेंसर स्विच की, एक बज़र की जो 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में काम करता है, ये सर्किट भी 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में काम करता है। ये कनेक्टर है, ये जो बैटरी लीड में बैटरी के टर्मिनल कैप में इस्तेमाल होता है, और ये मेरी 9 वोल्ट की बैटरी है फ्रेंड्स, और ये मेरा फीमेल जंपर है, ये मेरा फीमेल जंपर वायर है, ये 3 पिन कनेक्टर है फ्रेंड्स। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, ये अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। ये मोशन सेंसर स्विच है जो कि ह्यूमन बॉडी के मोशन को सेंस करता है। इसकी रेंज को आप फ्रेंड्स यहाँ से, ये जो राइट हैंड पे पहला, जब इसको सामने की तरफ आप इस तरह से करेंगे तो ये राइट हैंड वाला स्विच इसके डिस्टेंस को मेज़र करेगा कि कितनी डिस्टेंस से ये अलार्म काम करे, ये सर्किट काम करे। इसको आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये कितनी अलार्म एक बार किसी इंसान के या किसी ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल के आने के बाद, ये जाने के बाद कितनी देर तक सर्किट ऑन रहे, और उसके टाइम को इस दूसरे वाले पॉट से सिलेक्ट करेंगे, ये आप सेट करेंगे। पहले वाले स्विच से आपको ये रेंज को सिलेक्ट करता है कि किस कितनी रेंज तक, 10 मीटर, करीब 8-10 मीटर तक ये रेंज काम करती है। इसको आप 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि कितनी दूर पे कोई इस सर्किट के पास से गुजरेगा, या इस ये आपके किसी कमरे में या किसी हॉल में या किसी गार्डन में अगर ये लगा हुआ है तो ये कितनी दूर से ये किसी ह्यूमन बॉडी को या किसी एनिमल को, कि लिविंग थिंग को सेंस करे, वो इस पार्ट से सिलेक्ट होता है। इसको ये डिस्टेंस की रेंज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये दूसरा वाला पार्ट जो फ्रेंड्स ये है मेरे लेफ्ट हैंड पे, ये राइट हैंड पे है, ये लेफ्ट हैंड पे जो है वो उसकी टाइमिंग को सिलेक्ट करता है कि कितनी देर तक ये सर्किट उसके जाने के बाद, किसी भी लिविंग थिंग के जाने के बाद कितनी देर तक ये सेंसर एक्टिव रहे, और वो टाइम इस स्पॉट से सिलेक्ट होता है। इसको भी आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 टर्मिनल दिए गए हैं, इसमें मैंने ये यहाँ पर निशान बना दिया है। ये 5 वोल्ट से करीब 10 वोल्ट तक काम करता है या 12 वोल्ट तक काम करता है फ्रेंड्स। ये पहला वाली लीड, ये इसकी पिन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बीच में आउटपुट है, और ये किनारे निगेटिव टर्मिनल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये इस तरह का कनेक्टर है तो आप इसको कनेक्ट करके इससे 3 वायर इसे ऐसे ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इसके तीनों टर्मिनल पे आप शोल्डिंग कर सकते हैं, एक एक तार यहाँ से, एक तार शोल्ड यहाँ से, जो तार आप जोड़ेंगे उससे आपको पॉजिटिव सप्लाई देनी है किनारे वाली पिन से, जो मेरे राइट हैंड पे है पहली पिन से, और बीच मिडिल पॉइंट इसको आउटपुट देगा जिसको हम बजर से जोड़ेंगे बीच वाले पॉइंट को, और ये किनारे वाली निगेटिव टर्मिनल है जिस पे निगेटिव सप्लाई देंगे। इस सर्किट को 5 से लेके 12 वोल्ट तक आप कोई भी सप्लाई दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसको किसी भी आप बॉक्स में पैक करके आप ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ से आपको कोई भी ह्यूमन बॉडी या किसी को क्या को सेंस करने की, ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग को सेंस कर सके। ये फ्रेंड्स, ये जो इसका पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये सामने की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेंसर है यहाँ पर लगा हुआ है जो आपको सेंस करेगा फ्रेंड्स। इसके हम कनेक्शन करते हैं, ये फ्रेंड्स इसमें हम ये फीमेल कनेक्टर स्विच लगा देते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स, इधर से ये VCC मैंने लिखा हुआ है, इसको यूं करके ऐसे लगा देते हैं, ये मैंने कर दिया। या आप यहाँ पर एक शोल्डिंग आयरन से एक तार कनेक्ट कर दीजिएगा, दूसरा तार यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिएगा, तीसरा तार यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिएगा, और नहीं तो ये बाज़ार में ये फीमेल सॉकेट मिलता है। अब ये 3 वायर का फीमेल सॉकेट या 4 वायर का आप ले सकते हो। यहाँ पर इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। ये है इसका पहला वायर है, ये ब्राउन है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्राउन कलर का है, ये डार्क ब्राउन है फ्रेंड्स। चौथे तार को मैंने काट दिया, इसका इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड्स। ये मेरा पहला तार जो कि इस पर पॉजिटिव सप्लाई देनी है फ्रेंड्स। ये मेरा रेड आउटपुट है, और ये ब्राउन जो है ये निगेटिव है फ्रेंड्स। अब ये मैं इस बैटरी के कैप को लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ मैं इस तरह से लगा देता हूँ फ्रेंड्स,
ये इधर लग गया। ये फ्रेंड्स ये मेरे रेड पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और ये ब्लैक पे नेगेटिव सप्लाई आ रही है। फ्रेंड्स ये पॉजिटिव सप्लाई को मैं इसके पॉजिटिव सप्लाई पे देता हूँ। ये मैंने इसको इस ये तार पॉजिटिव का था, ये इससे मैंने यूँ कनेक्ट कर दिया है, इस पर कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स। अब मैं ये निगेटिव को इस बज़र के निगेटिव पे और साथ ही मैं इस सर्किट ये जो सर्किट है मैं इस सर्किट के निगेटिव पे लगाता हूँ। निगेटिव मेरा वायर था, रेड था, मैं इसमें रेड ये इधर ये मेरा निगेटिव वायर डार्क ब्राउन था, ये मैं डार्क ब्राउन तार को निगेटिव को लगा देता हूँ। ये मैंने फ्रेंड्स यहाँ लगा दिया, ये हो गया। और मैं ये जो आउटपुट था ये मेरा जो मिडिल पॉइंट है जो इसका आउटपुट है ये देखिए मैंने ज़ीरो लिखा हुआ है यहाँ पर और ये ज़ीरो में रेड वायर है। तो इस मैं रेड वायर को मैं ये बज़र का निगेटिव, बैटरी का निगेटिव और सर्किट का निगेटिव तीनों ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बज़र का पॉजिटिव ये इस सर्किट के आउटपुट पर लगेगा। ये बज़र का दूसरा तार इसको हम इस सर्किट के आउटपुट पर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा अलार्म बजने लगा। फ्रेंड्स इसको सामने की तरफ रखना है, ये चूंकि मैं इसके पास खड़ा हूँ इसलिए बज रहा है, मैं इससे थोड़ा दूर जाता हूँ। फ्रेंड्स ये जब हम इससे जब दूर चले जाएंगे तो ये फ्रेंड्स ये सर्किट ये इसका अलार्म बंद हो जाएगा। इस तरह से इसको आप किसी बॉक्स में, जैसे ये मेरे पास बॉक्स है, मैं इस बॉक्स में इसको ऐसे जोड़ के यहाँ पर रख दूँगा, ये बॉक्स में ये रख दूँगा। फ्रेंड्स ये ध्यान रहे कि ये सर्किट यहाँ होल्ड करके इसको आप बाहर कर देंगे ताकि ये आपको सेंस करता रहे। इस बॉक्स किसी भी बॉक्स में पैक करके आप इसको रख देंगे, ये यहाँ पर बाहर रहेगा, ये यहाँ से सेंस करेगा। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये इसको कहीं इस तरह से ये फ्रेंड्स अगर ये आपने सर्किट किसी हॉल में या किसी आपने अपने गार्डन में या कहीं आपने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है तो जब भी कोई इंटर करेगा उस कमरे में, उस रूम में, उस लॉन में, तो ये अलार्म बजने लगेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई ह्यूमन बॉडी या कोई ह्यूमन या कोई लिविंग एनिमल या कोई लिविंग चीज़ आई हुई है, जिससे आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ पर भी हमने ज्वाइंट किया है, जैसे ये ज्वाइंट है, इन सब ज्वाइंटों में आप टेप लगा दीजिएगा। इसको आपस में ट्विस्ट करके, बढ़िया से ट्विस्ट करके आप इस पर टेप लगा दीजिए ताकि ये आपस में शार्ट ना हो।